वेलकम टू फ्लेवर कोस्टर, मैं हूँ गीता। समर सीज़न है तो आम का सीज़न तो होता ही है, तो हम आम का यूज़ करके, हम पके हुए आम नहीं यूज़ करेंगे, हम रॉ मैंगोज़ यूज़ करेंगे और उसमें से हम आज एक खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होती है और जल्दी भी बन जाती है, और हम इसको गुड़ में बनाएंगे तो वो हेल्दी भी होगी, आप उसको काफ़ी टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बनाने शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक, मैंने रॉ मैंगोज़ ले लिए हैं कच्चे वाले, ये मैंने तोतापुरी लिए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, अराउंड 500 ग्राम्स हैं। गुड़ में बनाएंगे हम तो 150 ग्राम जितना मैंने गुड़ ले लिया है। ये मैंने तोतापुरी लिया है, तोतापुरी बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता है इसलिए मैंने उसमें 150 लिया है, लेकिन अगर आपके पास जो कैरी है बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप इसमें थोड़ा सा इसकी गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तेज़पत्ता लिया है 2, और अखी फुल जो होती है ड्राई रेड चिलीज लिए हैं 2-3। 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है, ये मीडियम वाला है, कलर भी है और तीखा भी है। फिर काली मिर्च लिए हैं 8-10 फुल। 1 टीस्पून जीरा लिया है मैंने। थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा और सॉल्ट। पहले इसमें आपको क्या करना है, पहले इसमें इसका जो छिलका है वो हम निकाल देंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। ऐसे पूरे जो तीनों मैंगोज हैं उसको ऐसे हम छोटे छोटे काट देते हैं। ये सब हमारी कैरी कट चुकी है, इसको हमने धो लिया है और मैं इसको कपड़े से भी अच्छे से पोंछ लिया ताकि इसमें कोई पानी नहीं रहे। अगर पानी वाली आप बनाएंगे तो चटनी तो बन जाती है लेकिन उसमें क्या मॉइस्चर रह जाता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आपको उसको अच्छे से पोंछ लेना चाहिए, या अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पहले धो के थोड़ी देर ऐसे ही स्ट्रेनर में रख दीजिए तो उसका पानी अच्छे से निकल जाए, फिर आप बना लीजिए। इसके लिए आप एक कढ़ाई ले लीजिए, और कढ़ाई में अराउंड मैं 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा जैसे स्प्लैटर होता है तो इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, तेज़पत्ता और ऑरेंज मिर्ची। अब इसमें ये जो हमारे कच्चे आम हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हमें 5-10 मिनट पकाना है जब तक थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। दस मिनट हो चुके हैं, ये देखिए पूरी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई, इसका कलर चेंज हो गया। हमें पूरी उसको पकाना नहीं है पर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तो अच्छा लगता है। भले पीसेस उसके, चाहे उसके जो पीसेस हैं वो आप रखें, आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो पूरी चटनी जैसी हो जाएगी, पर हमें इसे थोड़ा थोड़ा पीसेस भी रखने हैं तो इतना ही हम पकाएंगे। अब हम इसमें ये जो गुड़ है ये हम डाल देंगे। अभी गुड़ के साथ इसको थोड़ा पकाएंगे। गुड़ जब तक अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होता है तब तक हमें इसे पकाना है, और इसे हमें स्लो फ्लेम पर ही रखना है, ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है नहीं तो पूरा वो नीचे से लग जाएगा। अब 5 मिनट ऐसे ही रखेंगे तो ये और भी गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो और भी थोड़ा सा ये जो कैरी है हमारी वो पक जाएगी। ये देखिए 5 मिनट में हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो गया अच्छी तरह से, पर थोड़ा सा उसको और 5 मिनट हम पकाएंगे, तब तक हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से, और ये जो रेड चिली पाउडर रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो उसमें अच्छे से जो सॉल्ट की वजह से जो पानी निकलना होगा वो भी निकल जाएगा, और थोड़ा सा उसको 5-10 मिनट हम और भी पका लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है, आपको जब भी बनाना हो तो आप उसको 5-10-15 मिनट में ये ऑलरेडी बन ही जाती है, तो आप उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी बना के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो का सीज़न तो काफ़ी टाइम तक चलता है, तो फिर अगर आपको स्टोर करने के लिए बनाना हो तो लास्ट में आप बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो पूरा ये साल भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसको थोड़ा मैं 5 मिनट हाई पे करती हूँ ताकि अच्छे से उसका गुड़ जो है वो पक जाए, फिर हमारे रेडी हो जाएगी चटनी। तो बहुत ही टेस्टी होती है ये, पूरी के साथ या थेपले के साथ बहुत अच्छी लगती है, ट्रैवलिंग में भी आप उसको ले जा सकते हैं। बस ये हो चुकी है, अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं।
इसमें थोड़ा सा ऐसे पतला सा रखेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जब वो ठंडा होता है आप फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इसलिए ऐसे ठीक है, ऐसे में ही आप अगर उतार देते हैं गैस से तो सही है। अभी ठंडा होगा तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमारे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार है खाने के लिए। आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी भी बनती है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।